नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर बड़ी बहस और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। कांतिलाल भूरिया के बयान से जो विवाद शुरू हुआ या यूं कहें कि जो बहस छिड़ी है वो बढ़ते ही जा रही है। कांग्रेस के नेता जहां भूरिया के पक्ष में आन खड़े हुए हैं, वहीं बीजेपी की ओर से तमाम मंत्री और अब धर्मगुरु भी कांतिलाल भूरिया के बयान से बेहद नाराज हैं और उन पर निशाना साध रहे हैं। आचार्य शेखर ने तो आज सीधे सीधे कांतिलाल भूरिया को धमकी दे डाली और कहा कि वो अपना बयान वापस लें, इस बयान पर माफी मांगें, वरना आपका इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये शब्द वापस लें कांतिलाल भूरिया, वरना इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, ये चेतावनी दी है आचार्य शेखर ने। इसके अलावा हम आपको बताएं कि विश्वास सारंग जो कि मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के ही लोग इस समर्पण निधि अभियान को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा लगातार हमला बोले हुए हैं कांग्रेस के इस इन बयान वीरों पर। और चौथी तरफ प्रद्युम्न सिंह तोमर भी आज सामने आए, उन्होंने भी कहा कि कांग्रेस के पास कुछ काम तो है नहीं, इसीलिए इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है। तो कांतिलाल भूरिया के बयान से जो बवाल छिड़ा है वो अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो सुनवाते आपको पहले एक बार फिर याद दिलाते कांतिलाल भूरिया ने क्या बयान दिया था और उसके बाद किस तरह कल भी प्रतिक्रियाएं आई थी और आज नई प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं वो आपको सुनवाते हैं। हम अपना परामाल अपना वो परामाल खाके चंदा करने निकल गए, चंदा घर घर से जा रहे हैं कि मंदिर बनाना ना, मंदिर बनाना। मैं भाजपा से पूछना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूँ कि पिछले सालों अरबों रुपया इकट्ठा किया था और कहते थे हम कसम खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। कहते थे ना कसम खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। अरबों हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा किया था, उसका हिसाब नहीं दे रहे, वो हिसाब दो और वो पैसा सीधा मंदिर के ट्रस्ट में जमा करें। हजारों करोड़ वो पैसा कहाँ गया? ये भाजपा दबा के बैठी है और फिर आप घर घर भाजपा के छुपे नेता जा रहे हैं मंदिर बनाना पैसा इकट्ठा कर रहे और फिर शाम को जाके नदी पे जाके दारू पी रहे, वो भगवान मंदिर के बनाने की बात कर रहे। देखिए कुछ लोग प्रायोजन के द्वारा भी इस तरह का करते हैं, अच्छे काम को बदनाम करने की भी साजिश रहती है इन लोगों की और इसलिए संस्था को आगे आना पर एक पुनीत कार्य हो रहा है। प्रार्थना ही कर सकते हैं कि कृपा करें इस पुनीत कार्य को पुनीत ही रहने दें। राजनीति के लिए राजनीति करने वाले जो विरोधी हैं उनको बहुत सारे फ्रंट हैं, वहाँ कहीं भी आ जाओ, अब सब जगह से हार गए तो यहीं आ गए, अच्छा नहीं है। एक बात मैं सुनिश्चित करना चाहता हूँ, राम जन्मभूमि पर मंदिर बनने के जन जागरण का अभियान ये कोई भारतीय जनता पार्टी का अभियान नहीं है, ये तो हिंदुओं का अभियान है। जो भी हिंदू जिस भी स्तर पर है, जिस भी विचारधारा में है, वो सब चाहते हैं कि राम का मंदिर अयोध्या में बने और इसलिए ये हिंदू समाज द्वारा चलाया गया अभियान है। इसमें यदि कांग्रेस और वाम दल के नेता इसको बदनाम करने की कोशिश करेंगे और इस तरह अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से स्वयं रसीदें कटवा कर पैसे वसूलेंगे, ये सीधा सीधा मेरा आरोप है कि ये कांग्रेस का ही कार्य है और इस तरह से इस पूरे अभियान को बदनाम करने की साजिश है। कांग्रेस के पास कोई आधार नहीं है, उनके पास कोई काम नहीं है, तो उन्हें तो आलोचना करना है तो आलोचना करना उनका कर्तव्य बन गया है। उन्हें तो कुछ ना कुछ मुद्दा तो है नहीं, कोई तो मुद्दा नहीं है, इसलिए ये बात करना। राम मंदिर के लिए स्वेच्छा से लोग जो दान दे रहे हैं, जो अपना हिस्सा देना चाहते हैं वो दे रहे हैं। चलिए तो ये देखिए बवाल और बयान और इसका सिलसिला जारी है, बहस का सिलसिला जारी है और इसी मुद्दे पर हम एक बार फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कल भी हमने इस मुद्दे पर चर्चा की थी और ऐसा लगा था कि शायद मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से फिर सवाल उठे कांग्रेस की ओर से और ऐसे में बीजेपी को मौका मिला जवाब देने का, पलटवार करने का, और अब धर्मगुरु भी भूरिया के बयान से नाराज़ हैं। तो क्या ये सब तमाम जो बातें हैं वो कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाएंगी? क्या बीजेपी अब इस चंदे पर जो सवाल उठ रहे हैं इसे मुद्दा बनाएगी? इसी पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत करते हैं हम। राकेश शर्मा जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। राकेश जी आपका स्वागत है। योगेश यादव जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। योगेश जी आपका स्वागत है। सुशील शर्मा जी हमारे साथ में, वरिष्ठ पत्रकार, आपका स्वागत करते हुए। पहला कमेंट योगेश जी आपसे,
भूरिया जी ने जो बयान दिया था, क्या आप उस बयान से सहमत हैं कि लोग दिन में चंदा इकट्ठा करते हैं बीजेपी के और शाम को उस पैसे की दारू पीते हैं, शराब पीते हैं? क्या इस तरह के बयान जरूरी हैं? अगर आप दे रहे हैं तो आपके पास सबूत भी होना चाहिए। योगेश जी, लिखिए। दीपेश जी, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि चंदा यदि व्यवस्थित तरीके से जा रहा है और ट्रस्ट के पास जा रहा है तो कांग्रेस के लोगों को आपत्ति तो है ही नहीं, कांग्रेस के लोग भी उसमें अपना योगदान दे रहे हैं। और आपने देखा होगा दिग्विजय सिंह जी ने भी अपना चंदा पहुंचाया है। चंदे से कोई आपत्ति नहीं है, चंदे की प्रणाली से आपत्ति हो सकती है। उसका कारण यह है कि अब जिस परिवेश से कांतिलाल जी भूरिया आए हैं वहां पर आप जानते हैं उस परिवेश में वहां पर संस्कृति, वहां पर शाम के समय दारू की संस्कृति उस क्षेत्र में ज्यादा होती है आदिवासी बेल्ट में, तो ये फ्रॉड भी हुआ है इसमें चंदे के दौरान, इसको आप स्वयं स्वीकार करते हैं। और मेरे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि चंदे के नाम पर लोगों ने धंधा शुरू कर दिया है और फ्रॉड वाले लोग और नकली लोग भी आ रहे हैं जो दारू पीते हैं और इस तरीके से कृत्य करते हैं और भगवान राम के नाम पर पैसा ले जाते हैं। अभी भोपाल में ही हाल ही में आपने पढ़ा होगा कि भोपाल में भी अभी एक व्यक्ति को पकड़ा गया कि जिसने जब कली की घटना है, कली पकड़ा गया, कली की घटना है जो राम जन्मभूमि न्यास के लोग जो पहुंचे तो पता चला कि कोई फ्रॉड व्यक्ति पहले से ही चंदा लेकर चला गया था, उसकी शायद अज्ञात है या उसको गिरफ्तार कर नहीं हो गई, उसके सब सामने आ चुका है वो। जी जी हाँ, तो इस टाइप का जो इस मंतव्य को लेकर कांतिलाल जी भूरिया ने बोला था कि चंदा जो हो तो वो व्यवस्थित और तरीके की जगह पहुंच, लेकिन योगेश जी जो शख्स पकड़ा गया वो बीजेपी का आदमी थोड़ी है। आप लोग क्या है, देखिए चंदा दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं कुछ नहीं दे रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन पहले 14 साल का हिसाब दो, उस समय इतना लाखों रुपया करोड़ों रुपया उसका हिसाब दो। तो ये नहीं लगता आपको कि फिर इससे आदमी जो आम आदमी दे रहा होगा श्रद्धा भक्ति भाव से चंदा, उसके मन में एक सवाल उठेगा, संशय पैदा होगा? और यही विश्वास सारंग कह रहे कि आप इस पूरे समर्पण निधि अभियान को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। योगेश जी, देखिए दीपेश जी, कोई भी चंदा यदि आप प्राप्त करते हैं तो देने वाले का या भारत के हर नागरिक का ये अधिकार है कि वो पूछे कि इसमें पारदर्शिता कितनी है, इसका कितना निकले, यानी कोई 10 रुपया दे और वो बोले कि पूरी बैलेंस शीट लेकर आइए मेरे पास मंदिर की, ये तो होता नहीं है ना योगेश जी, कि कितना रुपया खर्चा? नहीं, योगदान जरूर है लेकिन वो समग्र रूप से इसका प्रकाशन होना चाहिए ताकि अब जैसे ये फ्रॉड की तरीके उत्पन्न हो गए, अब मैं नहीं कहता हूँ बदनाम तो बीजेपी वाले होंगे या जो चंदे को सही ढंग से प्राप्त कर रहे हैं वही होंगे, क्योंकि यदि ये घटना देखी होगी कांतिलाल जी भूरिया ने कि सुबह चंदा मांगते हुए लोग थे और शाम को बैठकर दारू पी रहे हो। चलिए तो एक कमेंट राकेश जी का ले लेते। तो राकेश जी भाई, देखा होगा भूरिया जी ने, आप क्यों मानने को तैयार नहीं कि जो लोग चंदा दिन में इकट्ठा कर रहे थे, हो सकता है उनके क्षेत्र में ऐसा हो रहा हो और शाम को शराब पी गई हो, तो ऐसे में क्या अब जो चंदे के अभियान में शामिल लोग हैं वही बदनाम कर रहे हैं, या फिर जैसा विश्वास सारंग जी कह रहे हैं कि कांग्रेस की साजिश है, क्या कहेंगे राकेश जी? दीपक जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के लिए किसी तरह का कोई चंदा नहीं ले रही। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहीं अगर सहयोग कर रहे हैं तो व्यक्तिगत रूप से सहयोग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कहीं भी चंदा राम मंदिर के लिए नहीं ले रही, इसलिए कांग्रेस के नेताओं को इस तरह की बातें अब बंद करना चाहिए। दूसरी बात, कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता जो मेरे सामने बैठे हुए हैं मैं उनका सम्मान करना चाहूंगा। उनने कहा कि भूरिया जी जिस क्षेत्र में आते हैं वहां की संस्कृति है कि शाम को शराब पी जाती है। अब भूरिया जी ने इतनी कितनी शराब शाम को पी ली थी कि वो सुबह उतरी नहीं और उसी धुनुक में आके, शराब की धुनुक में आके उनने इस तरह की बयानबाजी कर दी। ये तो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि वहां पर रोज पीते हैं, भूरिया जी भी पीते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं। अब मैं भूरिया जी का नाम नहीं लिया उन्होंने। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि भूरिया जी के क्षेत्र में आदिवासी समाज के लोग रोज शाम को शराब पीते हैं। भूरिया जी किस समाज के आते हैं बताइए मुझे, भूरिया जी के क्षेत्र है तो भूरिया जी भी, कांग्रेस ने कहा ये, मैं बोल रहा हूँ चैनल पे आपके। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, भूरिया जी को माफ कर दीजिए, कांग्रेस के किसी भी नेता से पूछिए वो कहता है कि भूरिया जी का नाम है भूला हुआ भूरिया, वो कहा जाता है जो अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी ना भूला, वो भूरिया जी हैं। आप देखिए कि जो मंच पे भाषण देते हैं कि राहुल गांधी के बेटे राजीव गांधी, जिस व्यक्ति को यही नहीं मालूम कि हमारी पार्टी की क्या परंपरा है, कौन किसका बेटा है, मंच पे ऑनलाइन अभी आपको मुद्दे पे मुद्दे पे हूँ
ऐसे मति भ्रम लोगों की बातों पे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, बहुत चंदे का हिसाब। राकेश जी की आवाज, जी राकेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। राकेश जी आप सुन पा रहे हैं? चल लगता संपर्क टूट गया है, दोबारा कोशिश की। सुशील जी एक कमेंट आपका, देखिए कांतिलाल भूरिया जी ने बयान दिया बड़े जोर शोर से, और उसके पहले मैं, चलिए एक सुशील जी का कमेंट ले लें, उसके बाद हम फिर आचार्य शेखर की वो बयान सुनवाएंगे आपको। सुशील जी क्या कमेंट है आपका? आप विश्वास सारंग भी कह रहे हैं, एक फर्जी शख्स भी पकड़ा गया जो चंदे वसूल रहा था नकली रसीद कट्टा छपवा करके, यानी ये मामला और बढ़ता जा रहा है। सुशील जी सुशील जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए लगता उनसे भी नहीं हो पा रहा संपर्क। बहरहाल हम पहले आचार्य शेखर की बयान वो सुनवाते हैं। तो सुशील जी क्या आप जुड़ पाए? राकेश जी आपको आवाज आ रही है? चलिए लगता संपर्क। योगेश जी ये कमेंट आप ही दीजिए। देखिए राकेश जी ने कहा कि भाई भूरिया जी और वो जो तमाम बातें कही उन्होंने, लेकिन मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि भाई इस तरीके से सवाल उठा करके क्या ये गलत परंपरा नहीं डाली जा रही है कांग्रेस की ओर से कि हम पहले सवाल भी उछाल दें, एक पत्थर भी उछाल दें और फिर वो हलचल मस्ती रहे। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए उठ रहे हैं, ब्रेक के बाद भी इस मुद्दे पर हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। स्वागत है, तो हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। तीन खास मेहमान हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। दीपक जी मेरा एक बड़ा निवेदन है, और मैं कभी नहीं कह रहा कि मैं किसी धर्म समाज का विरोध कर रहा हूँ, पर मैं एक बात कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि आज अगर यही बयान भूरिया जी ने किसी चर्च के लिए दिया होता या किसी चर्च के चंदे के लिए दिया होता तो क्या 5 मिनट तक भूरिया जी कांग्रेस पार्टी में रह पाते? उनको तुरंत कांग्रेस पार्टी से बाहर निकाला जाता, या किसी मस्जिद के लिए दिया होता तो तुरंत 5 मिनट में उनको कांग्रेस से बाहर निकाला जाता। कांग्रेस पार्टी लगातार हिंदू और हिंदुत्व का अपमान करने की पीढ़ी परंपराओं से आगे बढ़ रही है। मेरा तो निवेदन है कि इस देश की गंगे जमनी संस्कृति को खत्म करने का कांग्रेस जो प्रयास कर रही है, हमें तो गर्व है ना, हम राम के साथ खड़े हुए। नहीं हिसाब 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 की बात, वो हिसाब भी मांग रहे थे राकेश जी। मैंने कहा ना कि राजीव गांधी फाउंडेशन को इस देश को हिसाब देना चाहिए कि चाइना से अगर जो 95 लाख का चंदा राजीव गांधी फाउंडेशन ने लिया है तो उस फंड का उपयोग कहाँ किया जा रहा है। आज पूरी तरह से चाइना भारत के खिलाफ लगातार चाहे सीमा में घुसने का प्रयास कर रहा हो, चाहे भारतीय सैनिकों पर हमला करने का प्रयास कर रहा हो, और उस चाइना से राजीव गांधी फाउंडेशन जिसकी अध्यक्ष सोनिया गांधी है, जिसके सदस्य राहुल गांधी प्रियंका गांधी है, ऐसे लोग वहां से चाइना से पैसे किस आधार पे ले रहे हैं उसको कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। और राम मंदिर के हिसाब की बात की जा रही है तो एक एक पैसे का हिसाब रखा हुआ है, और आज अगर राम जी का भव्य मंदिर बन रहा है तो कांग्रेस पार्टी को क्यों तकलीफ हो रही है? क्या हिंदुओं और हिंदुत्व का अपमान करने का इनने ठेका ले लिया है? मैं बार बार कह रहा हूँ कि किसी चर्च का और किसी मस्जिद का हिसाब किसी दिन कांग्रेस का कोई नेता। चलिए पूछ लेंगे योगेश जी से, एक जल्दी से सुशील जी का हम कमेंट ले लें, उसके बाद हम आचार्य शेखर का वो बड़ा सनसनीखेज बयान आपको सुनवाएंगे। तो सुशील जी एक कमेंट देखिए, बीजेपी नेता पलटवार कर रहे थे मंत्री और अब धर्म गुरु भी, उन्होंने भी निशाने पे ले लिया भूरिया को, क्या कहेंगे? नहीं देखिए दीपेश जी, यदि कोई जनप्रतिनिधि और यदि पूर्व मंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, यदि इस तरीके का आरोप लगाते हैं तो उन्हें ये सब आरोप सप्रमाण लगाना चाहिए और उचित फोरम पे इस पर कार्रवाई के लिए आवेदन भी करना चाहिए। आप अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ऐसे आरोप लगा के किसी समाज, किसी वर्ग या किसी संगठन को बदनाम करने का अधिकार किसी को नहीं है। यदि आपके पास तथ्य है, बहुत गंभीर मामला है, अगर चंदे का दुरुपयोग हो रहा है
तो बहुत ही गंभीर बात है, इसकी शिकायत होना चाहिए, इस पे कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन आपने वो सब काम नहीं किए, ना आपने लोकल थाने में कहा, ना आपने इस ट्रस्ट को जानकारी दी, आपने मीडिया में बयान देके जो सुर्खियां बटोरी है, इससे ना तो आपको लाभ होगा ना आपके राजनीतिक दल को लाभ होगा। आप दोनों ही तरीके से पार्टी का भी नुकसान कर रहे हैं, खुद का भी नुकसान कर रहे हैं, और एक समाज और एक वर्ग को जो है आप अपने प्रति जो है आक्रोशित करने का प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं कारणों से जो है कांग्रेस की दुर्गति हो रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी कोई राजनीतिक व्यक्ति इस तरीके का बयान देता है तो पहले ये क्लियर होना चाहिए कि वो उस पार्टी का स्टैंड है या उस व्यक्ति का केवल कही बात है। अक्सर यही हो रहा है कांग्रेस में कि किसी नेता ने कोई बात कही तो उसको बचाने के लिए वो सारे कांग्रेस के नेता उसका बचाव करते हैं। अरे पार्टी का स्टैंड पे बात करिए आप लोग, अगर कांतिलाल भूरिया ने कुछ गलत कह दिया है तो उसको बचाइए मत, उससे दूरी बनाइए। तो ये कांग्रेस बहुत बड़ी गलती कर रही है, जिससे जो है मध्य प्रदेश में भी नुकसान हो रहा है और देश में तो हो ही गया उनका नुकसान। बिल्कुल। तो योगेश जी, अब आपको बयान सुनवाते हम आचार्य शेखर का, जिसमें वो चेतावनी दे रहे हैं कड़े अंदाज में, जरा सुनिए फिर मैं आपसे सवाल करता हूं। समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ कि कांतिलाल भूरिया जी ने अपशब्द कहे राम भक्तों को, जो निधि समर्पण घर घर लेने जा रहे हैं, गरीबों के 10-10 रुपए एकत्रित कर श्री राम तीर्थ क्षेत्र तक पहुंचा रहे हैं, उन कार्यकर्ताओं को, उन राम भक्तों को इन्होंने शराब पीने वाला बताया है। कांतिलाल भूरिया जी, आपकी मति भ्रष्ट हो गई है, आप कहीं अच्छा इलाज करवाएं और साथ में दिग्विजय सिंह जी को भी ले जाएं, क्योंकि आप दोनों की मानसिकता देश विरोधी रही है, संघ विरोधी रही है, राम जी के विरोध में आप हमेशा बोलते हैं। आपको तकलीफ भाजपा वालों से या संघ वालों से नहीं, आपको तकलीफ यह है कि ये लोग मंदिर कैसे बना रहे हैं, आपको तकलीफ श्री राम जी से है। अरे मैं कहना चाहता हूँ कि जिस दिन आप मरोगे तो राम नाम सत्य बुलवाओगे या कुछ और ही बुलवाओगे। समाचार ये तो सुना आपने योगेश जी अंदाज आचार्य शेखर का, वो कह रहे हैं कि संघ या बीजेपी नहीं है निशाने पर, निशाने पर है राम मंदिर की बन कैसे रहा। योगेश जी, सबसे पहले तो मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि कांतिलाल जी भूरिया, आप जो कह रहे थे आपके भाजपा के प्रवक्ता महोदय, वो शराब का सेवन नहीं करते थे, ना ही किसी आदिवासी का उन्होंने नाम लिया है। ये जो भ्रम पैदा कर देते हैं ना एक शब्द को पकड़कर, इसमें भारतीय जनता पार्टी के चातुर्य को मैं बड़ा प्रणाम करता हूँ कि बहुत चातुर्यता रखते हैं कि भ्रम को ले जाकर कहाँ से कहाँ स्पष्ट करना और क्या उसकी व्याख्या करना। दूसरी बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जैसे शेखर साहब जो बोल रहे थे, आचार्य शेखर जी, कि भारतीय जनता पार्टी या संघ को बदनाम करने हैं, तो ये संघ और भारतीय जनता पार्टी को कोई राम जी ने पट्टा नहीं दे दिया है कि ये इनके ठेकेदार हो गए या ब्रांडेड हो गए कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के ही राम है। हर भारत के सनातन धर्म प्रति का राम है, जो अनुगामी है, जो रामचरितमानस का वाचन करता है, पठन करता है, उसका राम है। राम हृदय में बसा हुआ राम है, राम आदिवासियों का राम है, अबरी के झूठे बेर खाने वालों का राम है, तो ये राम के ठेकेदार ना बने। दूसरी बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये बयान इसलिए कांतिलाल जी भूरिया ने स्पष्ट रूप से जाहिर किया, कोई संशय नहीं कि 1990 बाद जो ईंटें इकट्ठी की गई थी, लाखों करोड़ों रुपया इकट्ठा किया गया था, उसका हिसाब अभी तक कहीं नहीं आया। और अब जो पैदा हो रहा है, क्या आप इस बात को, हम ये नहीं कहते कि वो भारतीय जनता पार्टी या संघ के लोग हैं, यदि भारतीय जनता पार्टी या संघ के चोले में पहनकर यदि कोई व्यक्ति आ रहा है और नकली कट्टे छपवा रहा है और शाम को बैठकर दारू पी रहा है, तो इसमें कोई इस बात पर आपत्ति नहीं ली जानी चाहिए, जबकि भारतीय जनता पार्टी और उनको स्वीकार करना चाहिए कि हम ऐसे लोगों को ढूंढेंगे, हम ऐसे लोगों को पता लगाएंगे, जैसे भोपाल में हुआ है कांड, वैसे आप पता लगाइए कि कौन बैठकर शराब पी रहा है, क्यों वो नारंगी दुपट्टे को बदनाम कर रहा है। तो ये लेकिन 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 योगेश जी देखिए, राकेश जी ने क्या कहा, राकेश जी ने ये कहा कि हम कोई आधिकारिक रूप से चंदा इकट्ठा करने में नहीं जुटे। अब भाई, जिसकी सेवा भक्ति का भाव है, जो राम काज करना चाहता है, ठीक है, कार सेवा करना चाहता है, तो वो उसके लिए भाई ये है कि वो अपने अपने निजी स्तर पर काम कर रहा है। कांग्रेस के भी कुछ लोग कर रहे हैं निजी स्तर पर काम, हम तो कह रहे पूरी कांग्रेस को करना चाहिए, बीजेपी को आप मौका देते ही क्यों है, लेकिन करना आपको कुछ नहीं है, अगर कोई कर रहा है तो फिर उस पर सवाल उठाना, ये इसलिए ऐसा लगता है। देखिए, परसेप्शन जो आप लोगों का पहले से बना हुआ है एंटी हिंदू वाला, अब आप बहुत सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ गए, लेकिन वो फायदा नहीं मिला उसका, क्योंकि छवि ऐसी बन गई थी तुष्टिकरण वाली कांग्रेस की, जो राकेश जी भी कह रहे हैं कि भाई क्या चर्च और मस्जिद का हिसाब मांग लेती क्या कांग्रेस, या फिर राजीव गांधी फाउंडेशन का क्या आप हिसाब दे रहे हैं। योगेश जी, जरा राकेश जी के सवालों का जवाब दे दीजिए। देखिए दीपेश जी, ये हिंदू विरोधी जो मानसिकता पैदा करने का जो भ्रम उत्पन्न किया जाता है, मैं आज भी दावे के साथ कहता हूं कि कांग्रेस में जो
हमारे कांग्रेस की विचारधारा के लोग हैं, जो महापंडित हैं, जो जितना धर्म को आत्मसात करते हैं और जितने ज्ञानी हैं, ये भी मैं बता दूं, ये तो नारेबाज और ढोंगबाज लोग ज्यादा हैं भारतीय जनता पार्टी में। कांग्रेस में जो ज्ञानी और स्तुति का ज्ञान करने वाले रामचरित मानस के प्रति जो जिसकी आस्था है, उनकी आप संख्या देखेंगे तो करोड़ों में है। और ये मैं कह रहा हूं कि ये जिस तरीके से बार बार हिंदू विरोधी कांग्रेस हिंदू, इनके पास है क्या एजेंडा इसके अलावा इनके पास एजेंडा नहीं। आप ये बात कहां की बात का क्या तुक उठता है कि चर्च का क्या हिसाब नहीं मांगते तो मस्जिद का हिसाब नहीं मांगते। अरे मस्जिद और चर्च का हिसाब के लिए जैसे वक्फ बोर्ड है चर्च के लिए जो सेमिनरीज होती है, वैसे ही ये यदि राम जन्मभूमि के लिए हमारा न्यास है तो न्यास के प्रति एक सचेतना इसमें बीजेपी को तो उसी न्यास से तो आप हिसाब मांग रहे हैं। नहीं तो बात इसलिए अधिकार है भाई मुस्लिम व्यक्ति अपने वक्फ बोर्ड से मांगेगा, जो अपना क्रिश्चियन व्यक्ति है वो अपनी जो भी इनकी सेरेमनी होती है जो इनकी सेमिनरी होती है उनसे हिसाब मांगेगा। तो हिंदू सनातन धर्म का व्यक्ति यदि वो घंटी बजाता है मंदिर में जाता है मंगलवार की आरती करता है तो उसका भी अधिकार बनता है कि हमारे धर्म की रक्षा। और कांग्रेस का ये भ्रम आप दूर कर लीजिए कि कांग्रेस विरोधी कांग्रेस के लोग चंदा दे रहे हैं और दिग्विजय सिंह जी ने खुले रूप से चंदा दिया है, न्यास को चंदा दिया है। ये तो दिग्विजय सिंह जी की सचेतना है कि आप सचेत हो जाइए, आपकी आड़ में फिर दंगल शुरू हो गया है जैसे पहले ईंटें बटोरी गई थी। तो ये तो एक सचेत राकेश जी अगर वाकई स्वीकार करना चाहिए, राकेश जी अगर वाकई आपने अच्छी बात कही, अब हम चेतन्य रहेंगे, हम तो इस मामले में हम ध्यान देंगे जी। राकेश जी क्या जवाब देंगे योगेश जी को? देखिए दीपेश जी, मैंने तो ऑन रिकॉर्ड चैनल पे कहा था जब कमलनाथ जी ने चांदी की ईंटें राम मंदिर के निर्माण के लिए भेजी थी, मैंने कमलनाथ जी की इस भावना का स्वागत किया। दिग्विजय सिंह जी ने जिस दिन चंदा दिया मैंने दिग्विजय सिंह जी का भी धन्यवाद दिया था कि राम मंदिर के निर्माण के लिए दिग्विजय सिंह जी ने 1,00,000 रुपए भिजवाए। पर मुझे एक बात बताइए, मेरे विद्वान साथी बहुत राम भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं और चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में राम को काल्पनिक पात्र कांग्रेस के विद्वान लोगों ने कहा था, वकीलों ने कहा था, कांग्रेस की सरकार ने कहा था, उस दिन ये कहां की गुफा में जाके सो गए थे? एक बार तो विरोध दर्ज कराना था। हमारे हिंदुस्तान के धर्म में लिखा है कि भगवान के बारे में निंदा सुनना भी घोर पाप है, और उस भगवान को अगर काल्पनिक पात्र कांग्रेस के नेता कहते हैं तो ये इनको शर्म आई थी उस दिन योगेश यादव साहब को, या आज जिनका ये गुणगान कर रहे हैं उनको किसी को शर्म आई थी? किसी मस्जिद के बारे में किसी चर्च के बारे में एक शब्द बोल के बता दे, सिर्फ हिंदू हिंदुस्तान राम राम मंदिर इसका ही विरोध करने के बाद भी ये अपने आप को इनको मैं मुझे आश्चर्य होता है, बहुत आश्चर्य होता है, ये दावे ठोकते हैं। इनने राम सेतु को कहा कि राम सेतु कोई था ही नहीं, काल्पनिक है राम सेतु, और वहां से जहाज निकलना चाहिए उसे तोड़ देना चाहिए। हिंदुस्तान का हर व्यक्ति राम जी ने जो पुल बनाया उसका सम्मान करता है, उसके बारे में नहीं, वो ठीक है। मैं राकेश जी ये पूछ रहा हूँ, वो सब बातें हो गई पुरानी, मैं कह रहा हूँ कि अगर वाकई कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ लोग ऐसे आ गए हैं या फिर कोई चंदे पर धंधा कर रहा है, या आपको नहीं लगता कि एक एक पैसा वाकई राम मंदिर तक ही पहुंचना चाहिए बीच में, और फिर जो हिसाब हिसाब मांगा जा रहा है, या पहले भी आरोप लगते रहे लगातार कि भाई ये पहले भी इतना पैसा इकट्ठा हुआ था घर घर तब भी मांगा गया था, उसका क्या हुआ, एक उठता है सवाल। और अगर आज ये कोई सवाल उठा रहा है तो क्या गलत है ये जी? देखिए मुझे जो जहां तक याद है इस तरह के विषय पहले भी कई बार दीपेश जी आए, उसके बाद राम मंदिर ट्रस्ट ने जो 3 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए थे पिछले, उसका 2 करोड़ का पूरा हिसाब दे दिया और 1 करोड़ रुपए बैंक में जमा है उसका हिसाब बता दिया था। मुझे लगता है ये विषय उस समय समाप्त होना चाहिए। पर समस्या क्या आ रही है दीपेश भाई कि आज पूरे हिंदुस्तान में जब लोगों में आस्था उमड़ रही है, लोग अपना सहयोग करना चाहते हैं राम मंदिर में, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये लग रहा है कि अब ये लोगों में जो आस्था उमड़ रही है, ये लोग राम मंदिर की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पाप सामने आ रहे हैं। 500 वर्ष तक इस राम मंदिर का विवाद चलता रहा, कपिल सिब्बल साहब से लेके कांग्रेस का हर नेता राम मंदिर के खिलाफ बोलता रहा, अब राम मंदिर बन रहा है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को तकलीफ हो रही, क्योंकि जनता में उत्साह उमंग दिखाई दे रही है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि आज जो चंदा की बात करते हैं जोर जोर से चंदा, ये चंदा नहीं, ये पहले तो बता दूं सहयोग निधि है जो जनता अपना समर्पण कर रही है। आपके सामने भी कई वीडियो आए होंगे कि जिसमें बुजुर्ग महिलाएं रोते रोते पैसे उपलब्ध करा रही,
मेरा बात यही है राकेश जी कि अगर कोई ऐसी धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करे तो उसे पकड़वाने की जिम्मेदारी भी आप लोगों की होगी। जी विषय पे आ रहा हूँ। एक तो सबसे पहले कि जो भी थोड़ी भी बड़ी रकम है वो चेक द्वारा ली जा रही है, कहीं नगद नहीं लिया जा रहा है। 10 रुपए का और जो 100 रुपए का कूपन काटा जा रहा है उसके भी रसीद उपलब्ध कराई जा रही है। और जो मोहल्ले के वेल नोन चेहरे हैं, समाज सेवी हैं, वो लोग इसमें जा रहे हैं, इसलिए ये कोई कह नहीं सकता कि कोई घुसपैठिया घुस गया। और दूसरी बात, अगर इस तरह के लोग हैं तो विश्वहिंदू परिषद के लोगों ने इनको गिरफ्तार करवाया कि साहब ये लोग गलत लोग हैं, इनको गिरफ्तार किया जाए। उनको गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। कांग्रेस के नेताओं के अगर नजर में ऐसे कोई लोग आ रहे हैं जो गलत है, उनको ये गिरफ्तार कराएं, कानून है, शासन है। पर मुझे इस बात का दुख होता है कि आप पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का नाम लेके अनगलत बातें कर रहे हैं। ठीक है, चलिए लास्ट कमेंट सुशील जी से, बस समय समाप्त हो गया राकेश जी। लास्ट कमेंट सुशील जी, अगर ये मुद्दा और तूल पकड़ता है बीजेपी कैसे और तूल देगी और इसका पॉलिटिकल असर क्या देख रहे हैं आप? नगरीय निकाय चुनाव भी आने वाले, सुशील जी। नहीं देखिए, पहली बात है दीपेश जी, इसका जितना पॉलिटिकल असर होना था वो हो चुका। कांतिलाल भूरिया ने अपना स्टैंड भी बदला है, लेकिन ये है कि इस तरीके से बार बार चाहे कांग्रेस के जितने भी नेता हैं ऐसे बयान देते हैं उससे जरूर जो है इनका मतदाता वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं विचलित होता है। तो ऐसे बयानों से बचना चाहिए, या फिर तथ्यों के साथ आप चीजें रखिए ताकि भाजपा को जो है डिफेंस की भूमिका में आना पड़े। आप जो केवल बातें करके जो है उससे इससे राजनीतिक लाभ नहीं ले सकते। अगर उनके पास प्रमाण थे तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। कांतिलाल भूरिया को पूरा क्रेडिट मिलता और जनता जो है इस बात को सराहती कि एक राजनीतिक दल के प्रतिनिधि ने इस तरीके से काम किया। लेकिन आप सिर्फ बयान के आधार पर जो है इस तरीके से गुमराह नहीं कर सकते देश को और समाज को। बिल्कुल, शुक्रिया सुशील जी आपका, राकेश जी आपका शुक्रिया, योगेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, कांतिलाल भूरिया का बयान जो है वो दिनों दिन तूल पकड़ता जा रहा है। धर्म गुरु भी उनके खिलाफ आ खड़े हुए हैं, चेतावनी का सिलसिला जारी है और देखना यह है कि क्या कांतिलाल भूरिया अब अपने उस बयान पर माफी मांगते हैं या नहीं। बहरहाल, बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। आप देखते रहिए DNA News। नमस्कार।